हाँ जी और ये थोड़ा बेटर हुआ होगा। आवाज आ रही है ना? सर रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई। हो गई ना? यू आर रिकॉर्डिंग में के हो गई सर। क्वेश्चन फाइंड आउट कंसेंट्रेशन ऑफ एनओ टू इफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन कंसेंट्रेशन या प्रेशर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 इज थर्टी फोर पॉइंट फाइव एट 1080 प्रेशर। सॉल्व करो। फाइनल वेपर डेंसिटी नहीं लगेगी क्योंकि स्वाद नहीं हो रहा एज एन इक्विलिब्रियम वाली। तो ये किसकी दी है?
सर मतलब 10 atm वो फाइनल प्रेशर है ना? बिल्कुल अमान तेरा आंसर सही है, इसके बाद तू सॉल्व करेगा भाई। मतलब आंसर सही हो सकता है, पता नहीं सही है कि नहीं। किसी का कोई आंसर है क्या? सर 7.5 ही आ रहा है। हाँ सर मेरा भी 7.5 ही आया। क्या प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? वन बाय वो भी निकाला, वो निकाला नहीं मैंने आपको। सर 1/3 आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर वो बस वही एक ही फॉर्मूला लगाना है ना, बस अल्फा इज इक्वल टू लास्ट में आपने दिया था। मैं सॉल्व कर दूं? मैं सॉल्व कर दूं? चलिए अल्फा कितना आएगा? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी कितना है? 46, क्योंकि शुरुआत में N2O4 अकेला होगा,
इसका मॉलिकुलर मास कितना है? इसका मॉलिकुलर मास है 92, तो ये 46 इनिशियल होगा, तो ये हो गया अल्फा इक्वल्स टू 46 माइनस 34.5 डिवाइड बाय 34.5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 11.5 बाय 34.5, और 11.5 बाय 34.5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3, तो अल्फा की वैल्यू आएगी 1/3। यदि अल्फा 1/3 आएगा तो समझना, ये जो आपने N2O4 लेके चालू किया, N2O4 gives 2NO2 इनिशियल प्रेशर P0, ये फाइनल, ये जीरो, ये P0 1 माइनस अल्फा, ये 2 P0 अल्फा, तो टोटल प्रेशर P0 1 प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा P0 इक्वल्स टू 10 बाय 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा कितना होगा? 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा P0 इज 10 इंटू 3/4, तो P0 इतना हो जाएगा, तो 2P0 अल्फा विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 3/4 इंटू 1/3, 1/3 से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास प्रेशर ऑफ NO2 आ जाएगा 5 atm। केपी की बात करेंगे तो केपी कितना है? 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा P0, ठीक है। सर आपने इनिशियल प्रेशर पूछा था कि फाइनल? क्या हुआ सर, आपने फाइनल प्रेशर पूछा था? मैंने क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। फाइंड आउट प्रेशर ऑफ NO2 इफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फॉर्म्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ N2O4 इज इतना। हाँ सर, मैंने इनिशियल प्रेशर निकाल दिया 7.5। अब यार तुम इनिशियल प्रेशर निकाल लोगे, मेरे पास कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता उस बात से कि क्या निकाल रहे हो। आंसर जो यदि क्वेश्चन पूछा है ये, तो आप इसका आंसर 7.5 करके आते हो कि 5 करके आते हो, मेरे को सिर्फ इससे इंटरेस्ट है। यदि आप 7.5 करके आते हो तो थोड़ी देर के बाद आप बोलोगे ओ सिली मिस्टेक। तो ये केपी हो जाएगा, केपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर मतलब 1/3 इंटू 1/3 इंटू, और ये कितना आ गया है? 10 इंटू 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस, मतलब ये हो जाएगा 2/3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, और तो केपी इक्वल्स टू 5 आ जा रहा है। आपका भी ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? हाँ सर आया। हाँ सर मेरा भी सेम आया। निनाद भाई क्या आ रहा है? क्या गलती हुई तुझसे या मुझसे? सर मैंने डबल कर दिया। क्या डबल कर दिया तुमने? कुछ तो लिखा है सर मैंने आप पे, मैं कोई नहीं समझ रहा हूँ। अच्छा आगे बढ़े। नहीं सर 2 मिनट रुको ना, कॉपी कर रहे हो करो। सर बोल भाई। सर आप नेक्स्ट वीक में लाइक ट्यूसडे को तो पेपर डिस्कशन रहेंगे, लेकिन वेडनेसडे को आप मॉड्यूल लेने वाले के जीओसी का डिस्कशन के लिए? ले सकते हैं सर। थर्सडे रखो ना, थोड़ा टाइम रहेगा टेस्ट के बाद सॉल्व करने और। चलेगा हाँ सर, थर्सडे को ही रखो। ठीक है।
सर जीयूसी का प्रिंटेड मॉडल कब मिलेगा? अरे यार मिलेगा भाई, वो भी जल्दी मिलेगा यार। नेक्स्ट वीकेंड तक दे देंगे, मतलब ऐसा सर। तो फिर सिर्फ जीओसी में आइसोमेरिज्म भी दे दो ना मॉड्यूल। मॉड्यूल जीओसी आइसोमेरिज्म केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम चारों मिलेंगे यार। वो ऐसा है कि यार एक बार आप आओगे ना तो सारे के सारे एक साथ ही लेके जाओगे, फिजिक्स के अंदर भी और मैथ्स के अंदर भी वैसा रहेगा भाई। अभी किसी का भी बिना मतलब का इंस्टीट्यूट का चक्कर क्यों लगाना, वैसा वाला वो है प्रिंसिपल। सर इस टेस्ट में इक्विलिब्रियम मत रखो ना। क्यों सर? बहुत रीसेंट टॉपिक है सर, ज्यादा ये भी नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं है। वो तो ऐसे कह रहा है जैसे सर कोई जिसमें केमिकल बॉन्डिंग डाल दूंगा तो तू सुपर हीरो बन जाएगा, वाह कि सर कुछ भी डाल दो कहीं से भी मेरे पूरे नंबर आएंगे। चल ही रहा था ना ए? सर इसकी उतनी कंसिडरेबल अमाउंट प्रैक्टिस है। तू तो ये बता इसका तेरा कंसिडरेबल प्रैक्टिस है, यदि वो डालूंगा तो पूरा नंबर आएगी क्या? सर बढ़ेंगे, पूरे तो नहीं आएंगे, काफी बढ़ेंगे। सर डाल रहे हो ना आप ये इक्विलिब्रियम? हाँ भाई। हो गया कॉपी, में आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मैंने आपको ये बता दिया ना, यदि के की वैल्यू बड़ी होगी तो रिएक्शन का क्या होगा, वो प्रोडक्ट की तरफ है, कि छोटी होगी तो क्या होगा? नहीं सर, नहीं बताया सर। नहीं सर, नहीं बताया। ठीक, नहीं बताया सर। समझ गया मैं, जरा समझ। अच्छा पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डू नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और एनी अदर चेंज except temperature। ये बाकी सब कुछ जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से एडजस्ट होंगी टेम्परेचर को छोड़ के। ये वाला पॉइंट मैंने बताया हुआ होगा। दूसरा, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट्स फाइनल पोजीशन ऑफ reaction if value of k is very large, that is of 10 raised to power, that is more than 10 raised to power 3
इट मींस इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज मोर प्रोडक्ट्स. इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैज मोर प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है. जैसे आपने ले लिया कि भाई 10^10 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि एक तरह से प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशियो इज 100. ठीक है, इनका कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी आएंगे, एग्रीड, इस 10^10 बहुत बड़ा है तो इसलिए अपन मानेंगे रिएक्शन कभी कभी करीब करीब कंप्लीट हो गई है, रिएक्टेंट बचा ही नहीं है. और इफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्मॉल दैट इज लेस देन 10^-3 इट मींस that reaction do not favor products. Or it didn't start at all. यदि equilibrium constant बहुत छोटा है इसका मतलब है कि reaction चालू ही नहीं हुई है. मतलब आपने लिख लिया कि 10^-10 equilibrium constant, इसका मतलब क्या हो गया कि product by reactant ratio ये 10^-10 के order का, ठीक है, stoichiometric coefficients भी होंगे, yes, but बहुत छोटी value है तो आप ये बोल सकते हैं कि reaction चालू ही नहीं, कि पूरा का पूरा जो equilibrium mixture है वो reactant पर ही बैठा है. ठीक है, next, if two reactions are added then their equilibrium constant gets multiplied. मतलब हमने लिखा A gives B, C gives D. मैंने इस reaction का equilibrium constant है K1, इसका equilibrium constant है K2. यदि मैं दोनों reactions को add कर दिया, मैं लिखा A plus C gives B plus D, ऐसा लिखा, तो ये कैसे आया, ये आया ये रिएक्शन वन, ये रिएक्शन टू, ये आया 1+2 करके, तो जो नया नेट के आएगा, के नेट, वो किसके बराबर आ जाएगा, K1 × K2 के बराबर आ जाएगा. जो आप चाहे तो वैसे भी लिख सकते थे, मतलब ऐसा कोई थ्योरी की जरूरत नहीं थी इसको, बट स्टिल कि भाई K1 किसके बराबर होता, B/A के बराबर होता, K2 किसके बराबर होता, C/D/C के बराबर होता. तो आपको क्या चाहिए था, के नेट ये किसके बराबर है, B×D/A×C, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट वैल्यूज बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं. इफ टू रिएक्शंस आर सब्सट्रैक्टेड देन देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट gets divided. ठीक है, मतलब आपने लिया A gives B, C gives D, ये रिएक्शन वन, ये रिएक्शन टू, आपने 1-2 किया तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन ऐसे होगी, A-C gives B-D, दोनों इधर, तो A+D gives B+C ऐसा हो जाएगा. और इस केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, यदि इसका K1 है, इसका K2 है, तो जो K नेट आएगा वो K1/K2 आएगा. सिंपल, कैसे आएगा, क्योंकि जो नेट K नेट होगा वो B×C/A×D, B/A K1 D/C K2, तो वो इनवर्स में जाएगा. आर वी क्लियर, कॉपी करिए, यहां तक कॉपी करिए प्लीज.
सर एक डाउट है, पूछूं? पूछ भाई। सर वो लास्ट वाला नहीं समझा सर, वन अपॉन पीपी। लास्ट वाला तेरे को नहीं समझा? सर बोलो। सर आपने जो अभी वो रिएक्शंस का बताया, अगर मान लेते हैं ए और सी ऐसे दो कोई कंपाउंड्स हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये ट्रू होगा? नहीं, ये सिर्फ तभी होगा ना जब वो ए और सी कभी रिएक्ट ना करें। और सर ये टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करता है? नहीं, यदि रिएक्ट कर भी सकते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, ए और सी रिएक्ट कर भी सकते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, तब भी सेम रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर। और सर टेम्परेचर से कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? वक्त आएगा तो पढ़ाऊंगा, टेंशन क्लियर है। ठीक है सर। बोलो। तो जब रिएक्शन सब्ट्रैक्ट होके वो ए माइनस सी इक्वल्स टू रिएक्ट टू फॉर्म बी माइनस डी है, तो ए प्लस डी रिएक्ट टू फॉर्म बी प्लस सी और ए प्लस सी रिएक्ट फॉर्म बी प्लस डी, इसमें डिफरेंस क्या होगा, के ने डिफरेंट क्यों आएगा? सोच, कॉपी कर बता। तो सर बोल। सर अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अगर इंटरचेंज कर दिए तो रेशियो 1 अपॉन का रहेगा ना, 1 अपॉन बिल्कुल रहेगा, आगे के पॉइंट्स वही हैं। ओके सर, लास्ट वाला समझ गया। मुबारक हो।
सर कभी केसी या फिर केपी जीरो हो सकता है क्या? नहीं सर, वो 10^-10 का मतलब क्या है? यदि k की वैल्यू 10^-10 है तो क्या होगा? इधर अपन ने 10^-10 के लिखा है ना, वैसे k 10^-10 के लिए तो उधर स्टार्ट ही नहीं होगी ना रिएक्शन। हाँ मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट जो मिक्सचर है वैसे का वैसे ही पड़ा, रिएक्शन मिक्सचर इनिशियल स्टेट पर ही है। कॉपी हुआ क्या? हो सर, गया एक सर। मिनट सर हो गया। सर सर चले गए, लेफ्ट हो गए। मैं कितनी देर से डिस्कनेक्टेड हूँ? अभी जस्ट हुए सर। सर अभी अभी डिस्कनेक्ट हो गए। 5-10 सेकंड हो गए।
जी कॉपी हो गया है तो आगे बढ़े। हाँ सर हो गया सर। चलिए आगे देखिए अगला। इफ रिएक्शन गेट्स इन रिवर्स्ड then equilibrium constant gets inversed। मतलब आप a gives b का equilibrium constant यदि k लिख रहे हो तो b gives a का equilibrium constant 1 by k आएगा। क्लियर है? और वो जो रिएक्शन एड करने का जो भी सब्सट्रैक्ट करने का अपन ने यहां लिखा था ना इधर वो सब्सट्रैक्ट करने के अंदर यही तो हो रहा था कि रिएक्शन उल्टी होके ऐड हो रही थी इसलिए। नेक्स्ट इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड टू रिएक्शन देन सेम नंबर goes in equilibrium constant goes in power of equilibrium constant। समझाते हैं भाई। आपने लिखा है कि रिएक्शन है a gives b इसका equilibrium constant है k। आपने इस रिएक्शन को दो से मल्टीप्लाई किया और आपने लिखा 2a gives 2b तो जो नया के आएगा वो के दो से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये के नेट ये के का स्क्वायर होगा। इसीलिए जब मैंने आपसे कहा कि डिसोसिएशन रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करना है मतलब एक इंटीजर तक नहीं लाना है तो यही रीजन था कि भाई आपने लिखा कि SO3 gives SO2 plus half O2 तो इसका जो के है मान लीजिए 10 है तो यदि आप 2SO3 gives 2SO2 plus O2 कर लेंगे तो जो नया आएगा K new जो आएगा वो 10 square यानी कि 100 आ जाएगा और फिर ये दोनों अलग अलग चीजें हो जाएगी। ये दोनों डिफरेंट है डिफरेंट पैरामीटर डिफरेंट एस्पेक्ट सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी बिना मतलब से अपने हिसाब से एक रिएक्शन को दो से तीन से चार से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आर वी क्लियर? आगे समझियो। अब कोई क्वेश्चन आएगा कि भाई आपने लिखा है 2NH3 gives N2 plus 3H2 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मान लीजिए 100 तो N2 half N2 plus 3 by 2 H2 gives NH3 का equilibrium constant कितना होगा बताइए। सर पॉइंट वन हो गया। बिल्कुल पॉइंट वन होगा क्यों? पहले आपने इस रिएक्शन को उल्टा किया फिर दो से मल्टीप्लाई किया सॉरी दो से डिवाइड किया तो आपने क्या किया इस रिएक्शन को उल्टा किया तो और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने पहले लिखा N2 plus 3H2 gives 2NH3 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 1/100 फिर आपने इसको दो से डिवाइड किया तो ये आ गया इसका रूट तो k इक्वल्स टू 1/10 यानी कि 0.1। क्लियर है?
हाँ सर आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 if PCl5 if 3 molar each of if 5 mole each of PCl5 PCl3 and Cl2 were taken in 10 liter container ठीक है और आपको ये दे रखा है PCl5 is PCl3 plus Cl2 और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो है सर पर तीनों पांच मोल तो रिएक्शन होगी क्या रिएक्शन ही क्यों होगी मतलब पांच क्यों नहीं होगी पहले कॉपी करिए फिर सॉल्व करना सर वो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी ना वो आपकी इच्छा है
कॉपी हो गया क्या? नहीं सर, दो मिनट क्वेश्चन कर करो। अरे अब तो हो गया होगा, पॉप क्वेश्चन भी हो गया होगा यार, बोर हो गया मैं बैठा बैठा। हो गया सर। आंसर क्या आंसर आया उसका? सर बहुत वेरिएबल आंसर आ रहे थे सबके, अलग अलग। वन मोलर आ रहा था सर। वन मोलर आ रहा था, शानदार।
0.24 आया क्या 0.24 आया मेरा सर मेरा 4/15 आ रहा 0.26 है वो अप्रॉक्स अच्छा चलो भाई समझो PCl5 gives PCl3 plus Cl2 है इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.5 ऐसा होगा ठीक है अपन लिख लेते हैं कि भाई ये x क्या है तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस x ये हो जाएगा 0.5 प्लस x ये हो जाएगा 0.5 प्लस x तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.5 माइनस x इक्वल्स टू 0.8/3 ठीक है और इससे x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 तो PCl5 आ जाएगा 0.4 इससे x की वैल्यू आ जाएगी -0.1 तो इससे PCl5 आ जाएगा 0.6 ये आ जाएगा 0.4 ये आ जाएगा 0.4 सर लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो डिसोसिएट होगा ना मतलब वो स्टार्टिंग से कैसे मतलब वो रिएक्शन है होगी कैसे वो नहीं समझो मतलब सर मतलब रिएक्शन मतलब होगी कैसे अभी मतलब सारे के कंसंट्रेशन है स्टार्टिंग में तो क्या हो गया किसी ने ये थोड़े ना कहा कि मतलब रिएक्शन में ये कौन कहता है कि रिएक्शन नहीं होगी यदि सब कुछ है तो वो तो अपन ने क्या बात की है कि बाकी सबकी कंसेंट्रेशन जितने भी कंपोनेंट है उन सबकी उन कंपोनेंट्स की कंसेंट्रेशन इस हिसाब से एडजस्ट होगी कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जस्टिफाई कर सके बस कर रही है सिंपल भाई इसका ये भी मतलब मान सकते हो कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है देखिए क्वेश्चन कराने का पॉइंट ये है कि आप रिएक्शन करवाओ तो ऐसा नहीं है कि अपने को कोई डायरेक्शन सोचने की जरूरत है कुछ सोचने की जरूरत है आपने क्वेश्चन लिखा उसके हिसाब से वेरिएबल लेके सॉल्व करो यदि वेरिएबल पॉजिटिव आता है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है और यदि वेरिएबल नेगेटिव आता है इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है खत्म बात समझा मानस अमान उमेद इनाद क्लियर है अरिन निलय आदित्य हाँ सर क्लियर हाँ भाई सर वो हमने अल्फा निकाल के किया था तो अल्फा के दो वैल्यूज आ रहे थे तो लेकिन वो हो सकते हैं क्या अल्फा के दो वैल्यूज अल्फा के दो वैल्यूज रखना चाहो रख लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है पर दो वैल्यूज होंगे कैसे एक की एक वैल्यू वन से ज्यादा आ जा रहा होगा अल्फा का एक जो हमने एक दो एक पॉजिटिव आ रहा था एक नेगेटिव आ रहा था हमने पॉजिटिव कंसीडर किया तो उससे भाई वो इसीलिए यदि नेगेटिव और वो है तो पता नहीं कह नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा पर यदि वन से बड़ा है तो नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है लेकिन है? दोनों ही दोनों में एक जो नेगेटिव वाला है वो वन से बड़ा आ रहा था तो फिर तेरा कैलकुलेशन गलत है फिर तेरा कैलकुलेशन गलत है सॉल्व करके बताऊं क्या हाँ सर एक बार अल्फा वाला बताओ ना ये ले पर अल्फा से करिए PCl5 is PCl3 plus Cl2. इसकी कंसेंट्रेशन 0.5 या 0.5 या 0.5. ये 0.5 1 minus alpha ये 0.5 plus 0.5 alpha ये 0.5 plus 0.5 alpha. तो k 0.8/3 equals to 0.5 into 1 plus alpha 0.58 plus 1 plus alpha divided by 0.51 minus alpha ये cancel out हो गया
ये कैंसिल आउट हो गया, तो 8 बाय 15 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8 अल्फा इक्वल्स टू 15, 15 प्लस 30 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 38 अल्फा माइनस 15 अल्फा स्क्वायर आएगा, 15 अल्फा स्क्वायर मतलब हाँ 15 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू दिस एंड 8 माइनस 7 7 इक्वल टू 0 सर, तो माइनस 1 बाय 5 तो माइनस 7 बाय 3 आ रही है, क्या आ रहा है फिर से बोल, माइनस 1 बाय 5 एंड माइनस 7 बाय 3, माइनस 7 बाय 3 ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती, केवल ये वाली वैल्यू हो सकती है, ठीक है माइनस में आ गया अल्फा, सॉल्व कर ले, माइनस में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.51 माइनस माइनस 1 बाय 5, तो ये 0.5 इंटू 6 बाय 5, तो ये 0.6, क्लियर है निले? हाँ सर, वो ऊपर ही गलती हो गई, चलिए कुछ कॉपी करना है कॉपी करिए वरना मिटाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करें ये, हाँ अरे आई वाज स्मार्ट, मैंने आंसर उसी हिसाब से दिया था, अच्छा दूसरी बात मुझे मालूम है कि यार 8 बाय 3 इतना ऐड करना है तो जो होती है ना हिट एंड ट्रायल उससे निकाल लिया, कौन सॉल्व करेगा इतना लंबा, हाँ सर अब तो सॉल्व करना चाहे कर ले, मना नहीं करूंगा तेरे को मैं, तो मेरी इच्छा नहीं इतना लंबा सॉल्व करने, मेरे को लगता है क्वाड्रेटिक शायद ये वाली ज्यादा इजी है इसको सॉल्व करने से, क्वाड्रेटिक तो शायद, या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दे सबको, क्या दिक्कत है 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से मल्टीप्लाई करेगा ऊपर नीचे हर तरफ तो तेरा काम हो जाएगा, करो क्या इसको सॉल्व, या ठीक है ठीक है सर, चलिए कॉपी हो गया मिटा दूं पूरा, एक मिनट सर, मिटाऊं? हाँ सर, हाँ सर, चलिए अगला आस्पेक्ट,
देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है कि फॉरवर्ड जा रही है? इस चीज को समझने के लिए अपन पढ़ते हैं एक और चीज को, बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट। रिएक्शन क्वोशेंट को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और ये क्यू सी भी हो सकता है और ये क्यू पी भी हो सकता है। ये बस कंसेंट्रेशन टर्म्स के अंदर है, ये प्रेशर टर्म्स के अंदर है, ठीक है? और ये क्या होता है, क्यू सी इज, मान लीजिए एक रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, तो आप क्या कह सकते हैं कि क्यू सी किसके बराबर होगा? कंसेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी, कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, ये होता है क्यू सी। और क्यू पी किसके बराबर है? प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी, प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर ए एंड प्रेशर ऑफ बी रेज टू पावर बी। अब अक्सर बच्चों को ये डाउट है कि सर दोनों में अंतर, फिर इसमें और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में क्या अंतर है, और इस क्यू पी और केपी में क्या अंतर है? ये अंतर है कि ये जो चीज है ये एट एनी इंस्टेंट है, एट एनी इंस्टेंट, जबकि जो केपी और केसी होते हैं ना, केपी एंड केसी आर एप्लीकेबल एट इक्विलिब्रियम ओनली, ठीक है? इफ क्यू इज मोर देन के देन रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इफ q equals to k then reaction is at equilibrium, and if k q is less than k proceeds in forward direction। समझ में आ गया? तो हम केवल Q को यदि देख ले एक बार किसी भी इंस्टेंट पर Q निकाल ले तो अपन ये बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी कि बैकवर्ड आएगी, फिर आप आराम से चीजों को मैनिपुलेट कर पाएंगे। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, ये चीज की रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी उससे सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये याद रखना है कि x प्लस ले माइनस, आप एक x लेके चले प्लस की डायरेक्शन फॉरवर्ड बता देगी और माइनस की डायरेक्शन बैकवर्ड बता देगी। इसके बाद अगला है हेटरोजेनस इक्विलिब्रियम। हेटरोजेनस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एटलीस्ट कोई आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं। हाँ सर, वो क्यू के लिए वो उस हिसाब से डाटा मिलता है कि हमें किस इंस्टेंट पर चेक करना है? नहीं, अपने को क्यू जैसे अभी मैं लास्ट क्वेश्चन दिया था, जो बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन था पीसीएल 3 सीएल 2 वाला, अभी दिया था ना पीसीएल 3 सीएल 2 एंड पीसीएल 5 वाला। हाँ सर, उसके अंदर यदि आप क्वेश्चन करना चालू कर रहे हो और आंसर नेगेटिव आ जा रहा है तो क्या होता है ना, कई बार आपको डर लगता है कि नेगेटिव कैसे आ रहा है, क्या करें इस चीज का, तो आपने उसी इंसिडेंट पे क्यों रख के देख लिया, आपने कहा कि क्यों आ रहा है 0.5 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 0.8/3, तो क्यू जो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का स्टार्टिंग पॉइंट का जो क्यू है वो बड़ा आ रहा है, कैसे मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है, तो क्या कर सकते हो आप, सीधा नेगेटिव से भी चालू कर सकते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ के आएगा आपका। समझा? मतलब वो इनिशियल है कैसा, मतलब क्यू जो भी कंडीशंस है किसी भी कंडीशन पे रख लेना, ऐसा है कि क्यू तेरे को जब डेटा दिया तब का निकाल ले, शुरुआत का निकाल ले, बीच का निकाल ले। जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए मान ले तेरे को कि रिएक्शन चालू हुई, रिएक्शन में
दस 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 मोल लिए थे चार चीजों के, दस दस मिनट के बाद साथ साथ और कुछ कुछ मोल बन गए, फिर उसके आधे घंटे के बाद ये हुआ, उसके आधे घंटे के बाद ये हुआ, तो और स्टडी स्टेट पे ये हो रहा है, तो तेरे को जिस इंस्टेंट पे निकालना निकालना, क्या दिक्कत? वो तो क्वेश्चन वाले क्वेश्चन मेकर के ऊपर डिपेंड करता है ना, उसको क्या जानना है आपसे, वहां पे थोड़ा डिपेंड करता है। क्लियर है? यस। आगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हेटरोजेनस रिएक्शन, आपने लिखा, और इस केस में प्लीज ध्यान दें, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टेकन वन यूनिटलेस, मतलब प्रेशर होगा तो 1 atm और कंसेंट्रेशन होगी तो 1 concentration, वैसा समझिए। आपने लिया CaCO3, ये डिसोसिएट होके बना रहा है CaO+CO2, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, तो इस रिएक्शन का केपी जो होगा वो प्रेशर ऑफ CO2 होगा, ये कितना होगा, प्रेशर ऑफ CO2 होगा। आपने लिया NH4I सॉलिड, ये डिसोसिएट हो रहा है अमोनिया गैस प्लस HI गैस, तो इस रिएक्शन का केपी प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू प्रेशर ऑफ HI होगा, सीधा। और यदि स्टार्टिंग के अंदर ये नहीं दे रखा है, मतलब आपको दे दिया जाए कि एट T=0 अमोनिया नहीं है, HI भी नहीं है, तो जो भी कुछ बनेगा ये दोनों बराबर बनेंगे पीपी, तो पी टोटल होगा 2p और केपी होगा p2। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं हेटरोजेनस इक्विलिब्रियम। आपने क्वेश्चन लिया, आपने बोला कि आपके पास है अमोनियम कार्बामेट, ये डिसोसिएट हो रहा है Twice NH3+CO2 में इन ए क्लोज्ड कंटेनर ओनली सॉलिड रॉक सॉलिड सॉल्ट वॉज टेकन एट इक्विलिब्रियम, द टोटल प्रेशर वॉज 9 atm, then find out equilibrium constant, also find out pressure of ammonia if pressure of CO2 is changed to 9 atm. सॉल्व करिए इस क्वेश्चन, पहले कॉपी करिए फिर सॉल्व करिए फिर आगे बढ़ेंगे।
कहां तक पहुंच सर बोलो सर एक्चुअल में भी सॉलिड वाले का प्रेशर रहता है नीचे एक्चुअल वाले में कोई मतलब नहीं होता है उसका क्योंकि उसका एक्टिव मास डिफाइन नहीं हो सकता है सर CO2 का चेंज टू 980 mm ही है ना हाँ 980 mm क्या है आंसर 18 और 2 आ रहा है इक्विलिब्रियम 18 आ रहा है और NH3 का प्रेशर √2 आ रहा है
गलत जवाब सर के के इक्विलिब्रियम 108 आ रहा है और प्रेशर ऑफ NH3 2√3 आ रहा है। बिल्कुल सही सर, केपी 108 है के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम 108 है। सर बोलो। सर ये सॉलिड्स और लिक्विड्स का एक्टिव मास 1 है, लेकिन कंसंट्रेशन या प्रेशर वैसा ही रहेगा ना? मतलब कंसंट्रेशन और प्रेशर भी 1 लेना क्या सॉलिड्स? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और 1 यूनिट लेस वाला। ठीक सर, जो प्रेशर ऑफ CO2 है वो चेंज टू 980 एटीएम, मतलब टोटल प्रेशर 980 एटीएम ही रहेगा क्या? समझा नहीं। पहले सबको आंसर निकालने दे फिर। चलिए मैं, आपने क्या बोला है कि शुरुआत में आपने सिर्फ सॉलिड लिया है, ये डिसोसिएट हुआ, इसने बनाया ट्वाइस अमोनिया प्लस CO2, इसका प्रेशर इसके कुछ नहीं है, इसका प्रेशर आएगा 2P, इसका प्रेशर आएगा P, तो पी टोटल कितना हो जाएगा? पी टोटल हो जाएगा 3P विच इज इक्वल्स टू 980 एटीएम। तो अमोनिया का जो प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा 680 एटीएम और जो प्रेशर ऑफ CO2 हो जाएगा वो हो जाएगा 380 एटीएम। तो जो KP आएगा वो आएगा अमोनिया के प्रेशर का, प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ CO2, तो ये हो जाएगा 6² × 3 यानी कि 36 × 3 यानी कि 108 ATM³। पहला। दूसरा, यदि आपने उसको 9 कर दिया, मतलब सेम इसके अंदर या 9 रख दिया, तो प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ CO2 9 = 108, 12, तो प्रेशर ऑफ अमोनिया इज √1218। आर वी क्लियर? अलग अलग भी आ सकता है ना, कांस्टेंट्स का ही मतलब अगर 2NH3 नहीं होता तो मतलब 2NH3 है ना सर, वो सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं आएगा क्या? नहीं, सॉलिड का यही तो बात हो रही है कि एक्टिव मास इज 1 यूनिटलेस, इसीलिए तो समझा रहा हूं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। आई होप सब कुछ कॉपी हो गया है आपका, क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, उसके बाद
अपन कल पढ़ेंगे डिस्कशन. मैंने कब बोला हुआ ये बताइए पहले, आइसोमेरिज्म का. संडे को नहीं ले सकते, संडे को नहीं रख सकते क्या सर? पेपर है सर मंडे को. तो मंडे को पेपर नहीं ना सर. कितने बजे रखते हो? मंडे को बाद में रखना सर, शाम में रात में जब भी हो. अरे नहीं यार, मेरे को कल थोड़ा पढ़ाने की इच्छा है, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा. नहीं यार अबाउट सर, फिर संडे को पढ़ा दो ना बस सुबह ले. अरे संडे को भाई पढ़ाने के लिए भाई डिस्कशन में बहुत सारे वो लोग नहीं आएंगे जिन्होंने सॉल्व नहीं किया हुआ होगा. डिस्कशन सुबह ले लेना संडे को. चलो संडे को सुबह डिस्कशन रख लो. हाँ सर. और हाँ सर चलेगा. ठीक है, तो संडे को सुबह डिस्कशन रख लूंगा मैं, टाइम बता दूंगा आपको कल. चलेगा सर. Okay, कल पढ़ा लेता हूँ यार, चैप्टर खत्म हो जाएगा. सर तो केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा आ रहा है ना सर? एक सर पूरा नहीं डालेंगे, मतलब पूरा नहीं डालेंगे, बेसिक बेसिक डालेंगे. मेंस का ही तो पेपर बनाना है, वो तो एडवांस के पेपर में भी कुछ स्कोप नहीं आती है इसमें तो. फिर बट बेसिक बेसिक डालेंगे, हेट्रोजीनियस तक डाल देंगे और क्या. कल का नहीं डालेंगे. ठीक है सर. एनावस्थी कर सकते हैं क्या? नहीं, एनावस्थी तो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक ट्राई कर सकता है. पर हाँ We'll try कि next week starting में ही जब भी कभी पढ़ाने वाली क्लास हो उस दिन अपना आयनिक चालू हो जाए. हाँ अमान क्या पूछा तुमने? अमान क्या पूछा भाई? सर एडवांस में आता क्या केमिकल इक्विलिब्रियम काफी? एडवांस में यार केमिकल इक्विलिब्रियम आता है काफी वाला स्टेटमेंट मतलब इतना यूज नहीं करता हूं मैं, पर हाँ आता है. उससे ज्यादा केमिकल इक्विलिब्रियम से ज्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम आता है. हाँ पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं आता है. इट इज ये देख क्या होता है ना, पेपर के ऊपर डिपेंड होता है कि पेपर में किस चैप्टर का कितना पेपर का लेवल क्या सेट हो रहा है. तो ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस में आता है एडवांस के लिए. सर ये इक्विलिब्रियम आयनिक का बेस है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम का? हाँ मतलब सिमिलर सॉर्ट के बेस तो क्या होता है. और तुम लोगों को लॉग वॉग लेना आता है ना? हाँ और एंटी लॉग लेना? हाँ फर्स्ट की बात ही नहीं है, वो ऐसे ही चलता है. मतलब उसका एक पेस है, वो 2 महीने मतलब 2 महीने 1.5 हफ्ते तक वो पीएच निकालना ही चलता रहेगा सारे केसेस ही. वो स्लो फास्ट वाली बात ही नहीं है, वो तो केस आएगा. कितना टाइम लगेगा आयोनिक को? यार नियरली 10 से 11 क्लास लगती हैं, 10-11 कभी कभी 12 भी लगती हैं, कभी कभी 15 क्लास भी लगती है आयोनिक को, डिपेंड करता है आयोनिक के. तो सर 2016 में जेई एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन आया था केमिकल इक्विलिब्रियम का? आया होगा यार, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते हैं पर उतने नहीं आते हैं, ये बोल रहा हूँ. मतलब ऐसा है कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेके ऐसा बोलता हूं मैं कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा. मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नियरली हर साल आता है, और एक साल तो 2 कॉम्प्रिहेंशन एक मैटर एक पैराग्राफ 2 कॉम्प्रिहेंशन और 1 न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स आया था एक ही पेपर के अंदर. तो वैसा है कि भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आता है, पर हाँ पूछा जाता है, आयनिक ज्यादा पूछा जाता है रिलेटिवली. पहले प्लीज मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी है ना, रिकॉर्डिंग बंद.